दर्द व पीड़ा को भूल शिक्षक बनने के सपने को बढ़ाए कदम। डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही परीक्षा देने पहुंची धौलपुर की लक्ष्मी। नारी में कुछ करने का जज्बा और मजबूत हौसला हो तो वह बड़ी से बड़ी पीड़ा और संकट को छोड़ आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है। कुछ इस प्रकार का नारी सशक्तिकरण का मामला आज बुधवार को झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे के RKJK वारसिया PG महाविद्यालय में आयोजित हुई BEd की परीक्षा में देखने को मिला, जिसमें कुछ घंटों पूर्व मां बनी एक महिला ने अपने लक्ष्य व सपने को पूरा करने के लिए दर्द व पीड़ा को सहते हुए परीक्षा देने एम्बुलेंस से परीक्षा के केंद्र पहुंची और परीक्षा दी। आपको बता दें, धौलपुर जिले बेवली गांव की एक गर्भवती लक्ष्मी कुमारी सूरजगढ़ कस्बे के RKJK वारसिया कॉलेज में आयोजित BEd प्रथम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के लिए आई थी। बीते दिवस सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई थी। बुधवार सुबह उसकी BEd की परीक्षा होनी थी। उसने चिकित्सकों को अपनी समस्या बताई। चिकित्सकों ने बताया कि अभी कुछ समय पहले तो आपको डिलीवरी हुई है और आप परीक्षा देना चाह रही है। चिकित्सकों ने सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति की एम्बुलेंस अस्पताल में बुलाई और उसमें बैठाकर उसे बरासिया कॉलेज में परीक्षा केंद्र भिजवाया। परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस में परीक्षा देने आई अभ्यर्थी का दर्द व पीड़ा को समझ कॉलेज प्राचार्य ने एम्बुलेंस में ही उसके परीक्षा देने की व्यवस्था कराई। धिंगड़िया गांव की सोनू शर्मा, जिन्हें भी कुछ दिन पूर्व ही डिलीवरी हुई थी, उनके लिए भी एक चारपाई मंगवाकर उसे भी उस पर ही परीक्षा दिलाई गई। भुआना के थली गांव की सरिता को भी अलग से गाड़ी में बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई। कड़ी पीड़ा और दर्द सहकर भी अपने सपने व लक्ष्य की पूर्ति के लिए परीक्षा दे रही लक्ष्मी सोनू शर्मा और सरिता ने अन्य महिलाओं से भी अपील करते हुए कहा कि आप अपने सपने को पूरा करने और पैरों पर खड़े होने के लिए कोई भी संकट हो उससे लड़े और अपने पैरों पर खड़े हों। और अभी मेरी डिलीवरी हुई है, 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, एग्जाम देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को भी मेरी तरह बनना चाहिए, किसी भी परेशानी में पीछे नहीं हटना चाहिए और एग्जाम देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर औरत को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए। धन्यवाद। RKJK बरासिया PG कॉलेज में परीक्षा सेंटर पर आज 3 बच्चियां ऐसी हैं जो डिलीवरी केस के अंतर्गत महाविद्यालय में BEd प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। इनमें एक बच्ची तो ऐसी जो 8 घंटे पहले